नागिन 4 के आने वाले खतरनाक एपिसोड में क्या होगा और वृंदा की बड़ी गलतफहमी की वजह से देव पारेक से अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए होली के त्योहार पर कौन सी बड़ी चाल चलेगी और देव के कौन से भाई की मौत देखने को मिलेगी और किसकी नई खतरनाक वापसी होगी और विशाखा का कौन सा असली रूप सामने आएगा और क्या होगा आने वाले खास एपिसोड में, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजु के बेल आइकन को भी दबा दे। झटका तो तब लगेगा जब वृंदा की सबसे बड़ी गलत फहमी की वजह से यानी उसकी माँ नागरानी मान्यता को और किसी ने नहीं बल्कि देव ने मारा है इसका बदला लेने के लिए और पूरे पारेक परिवार को जान से मारने के लिए वृंदा महादेव के लाल टेकरी मंदिर में एक काफी बड़ी चाल चलेगी। और जिस तरह नागरानी मान्यता बेलपत्रियों की वजह से कैद थी वैसा ही वृंदा के साथ ना हो इसीलिए वृंदा अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाने के लिए अपने आप को ही बेलपत्रियों के जरिए सकम देगी और सपेरों के वश में ना आए इसी वजह से वृंदा महादेव के लाल टेकरी मंदिर में काफी महा ट्रेनिंग लेगी और देव पारेक से अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए और पूरे पारेक परिवार से अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए वृंदा के पूरी तैयारी कर लेने के बाद वृंदा का नया रूप सामने आएगा। और चौंका देने वाली बात तो ये होगी कि वृंदा काली नागिन की जगह वृंदा अब नए रूप में सफेद नागिन के तौर पर यानी नयनतारा की जैसी इच्छाधारी नागिन वृंदा का रूप सामने आएगा। और पूरा पारेक परिवार जब होली के त्योहार पर जश्न मना रहा होगा तभी वृंदा देव के एक भाई को जान से मारने के लिए घर के पीछे के जंगल की ओर बुलाएगी और देव के भाई यानी वंश को काफी बेरहमी तरीके से वृंदा अपना हाथ लंबा करके और वंश का गला दबा के देव के भाई को जान से मार देगी और होली खेल रहे पूरे परिवार के सामने वृंदा वंश को फेंक देगी और वंश को मरता हुआ देख देव एंड पूरा पारेक परिवार पूरी तरीके से हिल जाएगा। और इसके साथ आने वाले एपिसोड की बड़ी बात तो ये होगी कि विशाखा के साथ साथ एक बड़ी विलन रश्मि देसाई यानी कि शलाका की वापसी होगी और देव के पास से नागमणि को हासिल करने के लिए विशाखा एंड शलाका कौन सी बड़ी खतरनाक चाल चलेंगे ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने वाली बात होगी। और आप यहाँ आने वाले एपिसोड को देखना चाहते हैं या नहीं ये हमें जरूर बताएं और आप यहाँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।